नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क 18 के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों दोनों स्टॉक दोस्तों बार बार हमने डिस्कस किया है और दोस्तों साथ में किया था, बट लास्ट टाइम दोस्तों टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो नेटवर्क जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा था और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी दोस्तों, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं। तो अब दोस्तों बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे तो वो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। और दोस्तों नेटवर्क 18 के रिलेटेड भी था कि सर क्या वो स्टॉक भी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की तरह चलेगा कि नहीं, तो उसके ऊपर भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों टीवी 18 ब्रॉडकास्ट दोस्तों आज भी 8% की तेज़ी के साथ चल रहा है। 65.90 का दोस्तों अभी का प्राइस है दोस्तों, ओपन हुआ 61.10 का, हाई बना है 67.45। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वांटिटी ट्रेडर बात देखिए दोस्तों, 4 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी ट्रेड हुई है अभी तक और डिलीवरी क्वांटिटी 1 CR से ज़्यादा है, यानी कि 32.20% का डिलीवरी परसेंटेज है और दोस्तों आज हाई बनाया है दोस्तों। अब जब भी हम स्टॉक को डिस्कस करें हाई पे हाई बना रहा है तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और 48 के रुपीस में जब ब्रेकआउट आया तब से हमारे पोर्टफोलियो में, तो बहुत ही बढ़िया है। और डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों 27 जान का थोड़ा सा हायर था 51% का, उसके बाद जो अपसाइड थी दोस्तों 20% की, उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यूस दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा दोस्तों डिलीवरी वॉल्यूम मिल रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का दोस्तों वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोस्तों अभी 65.80 का लेवल है दोस्तों। 42.8 के स्टॉक प्राइस के ऊपर हमने दोस्तों रेकमेंड किया था आपको और फिर वहां से कंटिन्यूस दोस्तों तेजी बनी हुई है दोस्तों। अब ये लेवल 48 का कैसे आ गया अगर आपको पता नहीं है दोस्तों, और इसको हम गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट बोलते हैं, अगर ये लेवल का आपको पता नहीं है तो दोस्तों आप मेरी चैनल में पहली बार दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों जो लेवल था 70 रुपीज़ के आसपास का जो 6 अप्रैल को बना था वो हाई और दोस्तों स्विंग लो को हमने कनेक्ट किया है 27 मार्च का, और जो लेवल हमें निकल रहा है वो 48 रुपीज़ का निकल रहा है और जैसे ही ये लेवल को तोड़ा बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिल गया है। अब दोस्तों 70 का लेवल हमारे पास आ चुका है दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछला स्विंग हाई वही था। और दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम चले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली चार्ट के ऊपर दोस्तों आपको क्लियर विजन दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो लेवल है 70 का वहाँ पे रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोस्तों एक दो बार टच हुआ था, दो मंथली कैंडल है दोस्तों 28 मार्च का और 30 अप्रैल का दोस्तों कैंडल था 2018 का, तो यानी कि दोस्तों 2 मंथ ये रेजिस्टेंस हुआ था और ये रेजिस्टेंस बना था बहुत पहले ही दोस्तों 13 अगस्त 2011 का, जो अगस्त 2011 का जो मंथ था तब बना था और पहले उस लेवल पे सपोर्ट भी लिया है। यानी कि एक बार अगर 70 का लेवल का हैंडल अगर पार नहीं होता है तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। अगर जिनको फ्रेश एंट्री करनी है दोस्तों, जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करनी है, मैं आपको बोल दूँ कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा दोस्तों चार्ट के ऊपर, क्योंकि 2018 का ब्रेकआउट है और 2011 का ब्रेकआउट है मंथली चार्ट के ऊपर। अगर मंथली और ब्रेकआउट आता है तो ज़बरदस्त और तेज़ी बनेगी फिर तो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या जलसे है दोस्तों, फिर यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस 150-125 के आसपास आ रहा है, उससे पहले कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों 70 का लेवल बहुत ही अहम है, इवन वीकली चार्ट के ऊपर हमारा जो रेफरेंस लेवल था वो भी 70 का ही है दोस्तों। अगर वो तोड़ेगा तो दोस्तों 105 के टारगेट आपके पक्के है दोस्तों। तो अगर आपको इसमें पोजिशन बनानी है दोस्तों टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में, तो बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए कि 70 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग वीकली चार्ट के ऊपर आए तभी करना है, बाकी नहीं करना है, लिख के ले लो नहीं करना है अगर ना आए तो। अब नेटवर्क 18 के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर, उससे पहले दोस्तों थोड़ा डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अभी का जो प्राइस चल रहा है नेटवर्क 18 का वो 88.20 है, 2.68 की दोस्तों परसेंट की तेजी है दोस्तों, और डिलीवरी परसेंटेज भी दोस्तों 50% के आसपास है, जो पिछले कुछ हफ्तों से दोस्तों पिछले देखिए पूरा हफ्ता दोस्तों 50% के ऊपर हुआ है और पहले दोस्तों 50% के नीचे भी था ऊपर, यानी कि अनइवन है और उसका हिस्टोरिक पैटर्न है वो भी बोल रहा है कि वो थोड़ा अनइवन है। बट अगर देखा जाए तो दोस्तों पिछले एक वीक में यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता है दोस्तों। यानी कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग का मतलब होता है कि स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आने की संभावनाएं होती है, तब दोस्तों हो सकता है कि ये स्टॉक भागे। अब वीकली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं दोस्तों, सेम लेवल है, स्विंग लो से स्विंग हाई दोस्तों हमने बना दिया था
और उसी का लेवल है, और वहाँ पे 23.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है दोस्तों वो 91 का है दोस्तों। अभी हम चल रहे हैं 87 के ऊपर, तो एक बार इसको क्रॉस कर ले तब वो आपको पोजीशन बनानी है, 91.20 के लेवल को ऊपर क्रॉस कर ले तब उसको आपको लेवल बनानी है, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोज करे तब भी बनानी है दोस्तों, तब तक नहीं बनानी है। आप देखिए डेली चार्ट के ऊपर कितनी बार क्लोज आया है, एक बार सिर्फ पॉजिटिव क्लोज आया था बट तुरंत नीचे धकेल दिया था और बाकी आए नहीं, बट वॉल्यूम का सहारा इस काउंटर के ऊपर हमें अभी तक नहीं मिल रहा है दोस्तों, इतना वॉल्यूम अभी हमारे पास नहीं है नेटवर्क 18 में। अब बात करते हैं कि क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट आया था नेटवर्क 18 का, उस टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, उसके बाद ही भागा था, पर नेटवर्क 18 का भी क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक था दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर ओके था, 1387 का दोस्तों सेल्स था, यहाँ पे 1657 का दोस्तों सेल है, तो सेल्स में काफ़ी क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ा, इवन ईयर टू ईयर देखेंगे दिसंबर से भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, बट जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के जो उत्साहजनक परिणाम थे उतना नहीं लग रहा है। इवन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया है, इवन नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिखाया है स्टॉक ने, इवन दिसंबर के सामने भी काफ़ी अच्छा है, बट दोस्तों ओवरऑल क्या होता है कि सेंटिमेंट का सपोर्ट होता है, जो सेंटिमेंट का सपोर्ट है वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के पास है, नेटवर्क 18 के पास नहीं है, बट एक बार ये लेवल टूट गया गोल्डन रेशियो का 23.6 का 91.18 का, सीधा दोस्तों अच्छा सलांग मारेगा और आपको 100 रुपीज़ तक के टारगेट बहुत ही एक या दो दिन के अंदर ही मिलते हुए देख सकते हैं इस काउंटर के ऊपर दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।